लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा नज़दीक है और ऐसे में जिला प्रशासन व नगर निगम प्रशासन की तरफ से नगर निगम के हर छठ घाट का घूम घूम कर कर रहे मुआयना और कर्मियों को दे रहे दिशा निर्देश। इसी दौरान गांधी पथ पोखर में सबसे ज़्यादा गंदा पानी की वजह से नगर निगम के दिशा निर्देश के अनुसार वार्ड पार्षद के माध्यम से गंदे पानी को निकाला जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तालाब में कई वर्षों से गंदे पानी का जल जमाव था जो छठ व्रतियों को छठ के समय काफ़ी डर व भय बना हुआ रहता था, लेकिन इस वर्ष छठ व्रतियों को गंदे पानी से निजात दिलाकर साफ पानी और शुद्ध पानी देकर छठ व्रतियों के बीच खुशी का भी माहौल होगा। करीब करीब 25 वर्षों के बाद ये आज ऐसा हुआ है और ये नया नया वार्ड पार्षद जो विजय दास जी जो बने हैं उन्हीं के कमरों के अनुसार यह हुआ है। आई महीना दिन से पानी निकालने का काम कर रहे हैं, रातों रात मतलब रात में देखते हैं, दिन में देखते हैं, भूखा प्यासा रह कर अपना ही काम कर रहे हैं और ऐसा वार्ड पार्षद पहली बार ऐसा बना है। क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि अभी भविष्य के लिए उज्जवल की कामना करते हैं, ऐसा वार्ड पार्षद फिर हम लोग ऐसा मिले, निगम होने का भी हम लोग ऐसा। नाम क्या हो? मेरा नाम सुनील कुमार चौधरी, गांधी पथ सहरसा। हम पार्षद प्रतिनिधि विजय दास जी का धन्यवाद करते हैं कि वर्षों से जो पोखर उद्धार अपने उद्धारक का बाढ़ जो रहा था उसको इन्होंने जैसे भी ला कर पूरा पानी निकालने का काम किया, उसके बाद इसको जो है मैंने उन्नयन करने का काम कर रहे हैं। इनके लिए इनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने निगम पक्ष होने का बहुत ही फल लगाया और छठी मैया का जो महापर्व बिहार वासियों का जो होता है इसके लिए इन्होंने अपना काम करने का काम किया। कब से यह पर्व, यह कब से जो है पोखर की सफाई नहीं हुई? ये तो पोखर की सफाई हमको लगता है जब 10-20 साल पहले जो एक कमेटी चेंज हुई थी यहाँ पर, विनोद व्यास थे जो पोखर का उस समय में मैंने उराही करने का काम किया, उसका पोखर बनता सीढ़ी का निर्माण हुआ, उसके बाद हमको लगता है 20-30 साल के बाद मैट्रिक इंटर का स्टूडेंट थे उसी समय इस पोखर का जो है लगभग 30 साल उसी समय का बात है। उसके बाद बना, उसके बाद अभी तक उद्धार इसका नहीं हुआ, आज निगम पार्षद के द्वारा इस तरफ किया गया जो कि बहुत ही सराहनीय है। नाम क्या हुआ? राजीव वर्मा।